कोरोना को तो आप नहीं ही भूले होंगे, साल दो साल पहले की कहानी है जब लोग कोरोना वायरस के चलते बीमार हो रहे थे। इसके बचाव के लिए वैक्सीन भी आई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसका इंजेक्शन भी लिया। लेकिन जब आप वैक्सीन लेने की प्रक्रिया में लगे हुए थे यानी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, उसी समय आपके साथ एक बड़ा खेल हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। तो जनाब, भारत में डेटा लीक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। असल में कोरोना वैक्सीन लेने वाले करोड़ों भारतीय नागरिकों की पर्सनल जानकारी, आधार कार्ड और पासपोर्ट की डिटेल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लीक हो गई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपका भी डेटा कोई और एक्सेस कर रहा है और आपकी निजी जानकारी को खरीदा और बेचा जा रहा है। अब ये डेटा लीक कहाँ से हो रहा है ये जान लेते हैं। करोड़ों भारतीय नागरिकों की पर्सनल जानकारी कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल यानी कोविन से हुआ है। सारा डेटा टेलीग्राम चैनल पर खुलेआम देखा जा सकता है। इसे टेलीग्राम चैनल पर कोविन पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। इस लीक डेटा के माध्यम से ये भी पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा टीका लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था। यानी ये पूरी तरह से आपकी निजता यानी राइट टू प्राइवेसी का हनन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी का ही डेटा लीक हुआ है, बल्कि कैबिनेट मंत्री, सांसद और देश के बड़े बड़े पत्रकारों को तक का डाटा लीक हुआ। अब किन किन वीवीआईपीज का डाटा लीक हुआ ये जान लेते हैं। इनमें केटीआर के नाम से लोकप्रिय तेलंगाना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री कलवा कुंतला तारक रामा राव, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि, भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्ना मलाई, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और भाजपा के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का नाम शामिल है। अब अगर आपको भी अपने डेटा की चिंता है तो आप भी टेलीग्राम ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा ये जान लेते हैं। असल में टेलीग्राम ऐप पर एक बॉट है जिसका नाम ट्रू कॉलर है। इस ऑटोमेटिक बॉट पर कोविन ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करते ही सारी डिटेल सामने आ जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर यूजर ने अपने मोबाइल नंबर से परिवार के सदस्यों या किसी और के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया था तो उनकी जानकारियां भी सामने आ रही है। बता दें, इससे पहले साल 2021 में भी कोविन पोर्टल के हैक होने और 15 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारियां सार्वजनिक होने की खबर आई थी, लेकिन उस समय सरकार ने इस बात का खंडन किया था। और तो और, पिछले साल जनवरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO RS शर्मा ने कहा था कि कोविन के पास अत्याधुनिक सुरक्षा का बुनियादी ढांचा मौजूद है और इसे कभी भी सिक्योरिटी ब्रीच का सामना नहीं करना पड़ा है। कोविन पर हमारे नागरिकों का डेटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। कोविन से डेटा लीक के बारे में किसी भी खबर का कोई महत्व नहीं है। अब सरकार और जांच एजेंसियों का इस मामले पर पक्ष आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच नागरिक अधिकारों का हनन कब तक चलता रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।